आज हमारा मैथमेटिक्स में जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। और बच गया सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एनसीएफ और स्क्वायर रूट और एज, चार टॉपिक बच गए। ऐसे लिखो, राम और श्याम की आयु का अनुपात, राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है। इनकी आयु का जो योग है वो 63 वर्ष है, तो बताओ राम की आयु क्या है? राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है, इनकी आयु का योग 63 वर्ष है, तो बताओ राम की आयु क्या है? राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है, इनकी आयु का जो गुणनफल है वो 720 है, तो बताओ राम की आयु क्या है? या तो हमें गुणनफल देंगे या फिर दो देंगे। राम और श्याम की आयु का अनुपात और उनका योग देंगे। देखो, एक तो जो रेशियो जो होता है अनुपात जो होता है उसका मतलब होता है कि राम की आयु कुछ भी हो सकती है, श्याम की कुछ भी हो सकती है, बट दोनों का जो रेशियो है वो 4:5 के अनुपात में है। तो कोई चीज कॉमन है जो दोनों को काट रही है, जैसे मान लो 20 से कट गई तो राम की 20:85, इसकी 20:2500, यदि 15 से कट गया तो 15:4560 राम की, 15:575 श्याम की। तो हम इसको डिनोट करते हैं, राम की आयु 4x है, वो कॉमन संख्या हम x से डिनोट करते हैं, या तो योग देंगे जब तो दोनों की आयु को, योग का मतलब दोनों की आयु को जोड़ के बराबर रखेंगे, ठीक है। 4x और 5x हो गया 9x बराबर 63। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 63 बटा 9, 9 = 63, वो कॉमन संख्या हमारे पास 7 आ गई। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है क्योंकि इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो 7 को 4 से गुणा करेंगे तो राम के आगे 7 = 28, और यदि श्याम की आयु को x को 7 से गुणा करेंगे, 7 को 5 से करेंगे, 7 = 35। वो हमने कॉमन संख्या निकाली, x से इसको रिप्रेजेंट कर लिया, योग दे रखे ना दोनों को जोड़ के बराबर रख देंगे, गुणन करा तो दोनों को गुणा करेंगे, क्लियर? अब गुणनफल दे रखा है, राम की आयु वही हम डिनोट करेंगे 4x से, वही कॉमन संख्या मान लेंगे x, ये दे रखा है गुणनफल दोनों का, तो दोनों का गुणा करेंगे वो बराबर हमें दे रखा है 720, 5 × 20 और x की पावर 1 को x की पावर 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा x की गुणा में घात जुड़ जाती है 1 और 1 2 बराबर 720, 0 से 0 कैंसिल, x स्क्वायर निकालोगे तो ये दो जो गुणा में है इधर आके अपॉन में आएगा, ये x स्क्वायर बराबर 36 × 72, ये जो स्क्वायर है इधर जाकर के रूट में जाएगा, तो 36 किसका रूट होता है 6, वही कॉमन संख्या आ गई 6, तो 6 × 24 तो किसके आगे राम की, और 6 × 30 गुणा तुम्हें वही ध्यान रखो, x और x यदि जोड़ते हैं तो 1 और 1 2x हो जाता है, और यदि x और x को गुणा करते हैं तो 1 पावर ये x हो गया, ठीक है। जब बेस इज इक्वल देन जो पावर होती है वो आपस में जुड़ जाती है, आधार यदि बराबर होते हैं तो गुणा करते समय घातों को जोड़ दिया जाता है, क्लियर? आयु संबंधित एक क्वेश्चन रह जाता है, ये बिल्कुल सत्य है, और सिर्फ
एक क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखो पहले मैं समझाऊंगा तब तक कुछ नहीं लिखोगे। पांच वर्ष पहले जो पिता की आयु है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 हुई थी, पुत्र की आयु से 3 हुई थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 हुई थी और 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 2 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब ये पूछेंगे पिता की वर्तमान आयु क्या है, हमेशा वर्तमान आयु में पूछी जाती है, एक तो खास बात ये ध्यान रखें। देखिए मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन 3 तरीके से निकलता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका वो बताता हूं। 5 वर्ष पहले लेफ्ट साइड में तो लिखो पिता की आयु, जिसकी आयु निकालनी है उसकी आयु लेफ्ट साइड में लिखो और दूसरे की आयु राइट में लिखो। अब देख बिल्कुल मात्र 5 सेकंड में आंसर निकलेगा और हर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे। पिता की आयु 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 हुई थी, पर ये कंडीशन कब की है, ये 5 वर्ष पहले की है। 5 वर्ष पहले इसमें दे रखे हैं कि जो पिता की आयु है वो पुत्र से 3 हुई थी, तो पिता की 3x थी कब, जब पुत्र की x थी। ये कब थी ये बता दो मेरे को। क्लियर? एक बात बताओ, यदि मैं थाने पूछूं कि थारी आयु 2 वर्ष पहले 17 वर्ष थी, कितनी थी, सोचियो दिमाग में, 2 वर्ष पहले यदि तुम 17 साल के थे तो 2 साल बाद कितने हो जाओगे, 21 साल। क्योंकि 2 साल पहले यदि तुम 17 का था तो आज कितना लगा, 2 साल बाद कितना लगे। तो हमेशा जो सेकंड कंडीशन होती है वो वर्तमान आयु पे लगाई जाती है। सबसे लिखो ये बात नोट करके कि सेकंड कंडीशन हमेशा वर्तमान आयु पर ही लगाई जाती है। सेकंड कंडीशन हमेशा वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। सेकंड कंडीशन हमेशा वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। सेकंड कंडीशन हमेशा वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। क्लियर है बात? अब सुनो, 5 वर्ष पहले पिता 3 गुना था अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एक बात बताओ कि आज वर्तमान में पिता कितना पहले हो, भाई बात हो 5 साल पहले हो 3x हो, तो आज वर्तमान में पिता कितना पहले हो, ये या बात सही से गलत से। थमी 5 वर्ष पहले यदि 15 साल का था तो आज कितना कहेगा, 20 साल, क्योंकि आज की जो आयु है ये 5 साल पहले की बात है। 3 गुना तो 3x, आज वर्तमान में पिता है वो 3x+5 हो, पुत्र कितना को आएगा आज, x+5 हो। यह बात का कुछ समझ में आएगा। क्लियर? वर्तमान आयु बना दी। अब सेकंड कंडीशन है कि 10 वर्ष बाद बताओ पिता कितना बच जाए, 10 वर्ष बाद पिता इतना बच जाए हो और पुत्र 10 वर्ष बाद इतना बच जाए हो। अब कंडीशन ये है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु दुगनी हो जाएगी, ये आयु दुगनी हो जाएगी, तो बराबर करने के लिए हम इसको 2 से गुणा, पुत्र की आयु को 2 से गुणा करेंगे ताकि दोनों की आयु बराबर हो जाएगी, तब यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज आंसर। केवल एक कंडीशन कि पहले वर्तमान बढ़ाओ और फिर सेकंड कंडीशन बाद का मतलब जोड़ दो पहले का मतलब। इसको यदि सोल्व करना है 3x+10 5 15 बराबर, तो 2x से करोगे 2x और 10 और 5 15 को 2 से करोगे 15 × 20, ये x इधर आएगा 1x बच गया, ये 15 इधर आएगा 30 में 15 घट गया 15 बचेगा, x की वैल्यू तुमने निकाल दी। यदि पिता की वर्तमान पूछे तो पिता की जो वर्तमान है वो ये है, ये गुणा में आपस में 15 15 दिया 45 और 5 50, यानी कि पिता की आयु आज 50 है। एक्स की वैल्यू उसमें पुट कर लो बस। ये मैं समझा रहा हूं इसलिए इसमें थोड़ा सा ये लेंथ लग रहा है, तुम तो केवल एक लाइन में आंसर निकालोगे। देखिए एक लाइन का आंसर निकाल के करता हूं मैं,
Clear? Dekho. Ye baat suno. शॉर्टकट में रकम लिखो उसको शॉर्टकट में निकालो उसको उसके बाद हम निकालेंगे पोजीशन। दस वर्ष पहले पिता जो है वो पुत्र से चार गुना था और दस वर्ष बाद पिता पुत्र से दुगुना होगा। वो एक पिता की वर्तमान निकाल रहे हैं। देख एक लाइन में आंसर कैसे निकालोगे जैसे कुछ ना कहते मेरे रकम शॉर्टकट में लिखी उसमें से लिखा जाएगा दस वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से चार गुना थी और दस वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। समझ में आ गया तुम पिता की वर्तमान 50 वर्ष। अब यहां पिता की वर्तमान निकालनी हमें और ये हो गया पुत्र की वर्तमान। देख एक लाइन में कैसे आंसर निकालोगे कि दस वर्ष पहले की बात है पिता चार गुना था पुत्र से। देखो वही बात है ठीक है चार गुना कर दिया। अब आज की निकालोगे तो क्या करोगे इसमें भी 10 जोड़ोगे और इसमें भी। ये आज की वर्तमान की हो गई और यदि 10 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो 10 वर्ष बाद का मतलब है इसमें भी 10 जोड़ दो बाद का मतलब इसमें भी 10 जोड़ दो। ये दुगुना है इसको 2 से गुणा कर दो ये दोनों का अंतर वही एक्स का। वो पहले वाला क्वेश्चन है मैंने कुछ नहीं किया केवल वर्तमान आयु बनाई है ठीक है। अपने ऊपर लेके देख लिया करो कि मैं 5 वर्ष पहले 15 का था तो आज कितने का हो गया 20 का हो गया 5 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा तो 25 का हो जाऊंगा तो बाद में अगर जोड़ दिया करो पहले मतलब बनाया यहां से एक्स वैल्यू निकाल दिखाऊं निकाल दो दो वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 6 गुनी थी अठारह वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान वही तरीका जो मैंने बताया 32 दो वर्ष पहले 6 गुना था और 18 वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा। एक लाइन में आंसर मिल रहा है एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू आते ही पिता की वर्तमान आ जाएगी। दो वर्ष पहले यो जो पिता से ये पिता पुत्र से 6 गुना था पुत्र एक्स का है तो पिता 6 एक्स का हो गया। पहले सबसे पहले वर्तमान बनाने था ने और वर्तमान बनाने के लिए था ने एच एक्स में ये दो जोड़ना चाहिए या वर्तमान बनेगी एक्स में ये वर्तमान बनेगी। 18 वर्ष बाद को जिक्र से तो बाद का मतलब क्या होता है कि इसमें भी 18 जोड़ो और इसमें भी 18 जोड़ो। अब ये दुगुना है इससे दुगुना है तो इसको 2 से गुणा करो ये दोनों पक्ष हो गए 6x + 20 = 2x +
चालीस, ये दो एक्स इधर आ गए, चार एक्स बराबर बीस, एक्स की वैल्यू आ गई पांच। अब एक बार बताओ पिता की वर्तमान पूछिए, पिता की वर्तमान क्या है, ये तो है पिता की दो वर्ष पहले वर्तमान, इसकी ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, तो x की वैल्यू यहां पुट करेंगे छह बजू तीस और दो बार। वैसे यदि ऑप्शन से भी करना चाहो ना, तो ऑप्शन की बेस्ट तरीको है, ऑप्शन को बेस्ट तरीको जो है, जैसे ऑप्शन दे दिया माने बत्तीस बयालीस बावन, जैसे ऐसे ऑप्शन दे दिया, तो यहां हमने पिता की मान ली, यहां हमने पुत्र की मान ली। अब देखो ऑप्शन में मैंने बत्तीस उठा लिया, बत्तीस उठा लिया, तो ऑप्शन बत्तीस उठा लिया, दो वर्ष पहले, दो वर्ष पहले ये कितना का हो गया पिता तीस का, ये हो गया पांच का, क्योंकि ये छह गुना है, तो ये तीस का हो गया, तो पांच का तीस, ठीक है। अब कह रहा है कि अठारह वर्ष बाद, अठारह वर्ष बाद मैंने बताया थी सेकंड कंडीशन वर्तमान पे लगाएंगे, ये तीस और दो बत्तीस, तो ये हो गया पांच और दो सात, बत्तीस में अठारह जोड़ोगे, बत्तीस और अठारह कितने हो गए पचास, और सात में अठारह जोड़ोगे, अठारह सात कितने हो गए पच्चीस, ये पच्चीस दो पचास, ये दुगड़ा हो गया, इसका उम्र पिता की। बाकी वो एक लाइन है ना ऑप्शन में, तो सारे उठा उठा के देखेंगे हम, और उसमें से भी एक लाइन में एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, वो बेस्ट है। एक क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की कुल जो आयु है, कुल आयु है वो 40 वर्ष, और 16 वर्ष बाद पिता पुत्र से दुगुना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु होगा। और जैसे ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है ना, पिता और पुत्र की कुल आयु 40 वर्ष, ठीक है, तो एक लाइन से भी हो जाएगा। देखो एक लाइन से कैसे हो जाएगा, ये पुत्र हो गया, ये पिता हो गया। अब ये कह रहा है कि पिता जो है और पुत्र है दोनों की कुल आयु 40 वर्ष है, यदि पुत्र के एक्स मानोगे तो पिता की कितनी हो गई ये बता चुका हूं, टोटल में से तो एक्स घटाओगे, पुत्र के एक्स मान ली तो टोटल 40 है, 40 में से एक्स घटा दिया पिता की आयु। अब ये कह रहे हैं 16 वर्ष बाद, ये 16 वर्ष बाद, ये 16 वर्ष बाद, ये जो पिता है ये दुगना हो जाएगा पुत्र से, पुत्र को दो से गुणा करो, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर, 2x जमा 16 गुणे 32 बराबर 40 माइनस एक्स प्लस 16। अब ये x इधर आएगा कितने x हो गए 3x, और 32 उधर गया तो किसका हो जाएगा 32 उधर माइनस का, तो एक बोल दो 40 और 16 कितने हो गए 56, 56 में से 32 घटा दो, 56 में से 32 घटाओगे तो ये बच जाएंगे 24, एक्स बराबर आ गई 8। तो पुत्र की आयु हमने क्या मान रखी है, पुत्र की हमने क्या मान रखी एक्स, तो पुत्र हो गया 8। और वैसे ऑप्शन आए ना, तो जैसे ऐसे ऑप्शन दे दिए पुत्र की आयु पूछ ली, ये ऑप्शन दे दिए, तो पुत्र की हमने 8 मान ली, पिता की हो गई 32, क्योंकि दोनों की आयु वो कितना है 40, पुत्र की 8 मानोगे तो पिता कितना हो गया 32 का। 16 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 24 का, 16 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 48 का, तो 24 दूनी 48, तो इसका मतलब पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन। ऑप्शन में यह है कि मतलब दो या तीन ऑप्शन उठा के देखने पड़ेंगे, और इसमें क्या है कि डायरेक्ट एक लाइन लिखो सिर्फ एक्स की वैल्यू। अब जैसे एक नॉर्मल से क्वेश्चन है कि पिता है वो पुत्र से दुगुना है, पिता पुत्र से दुगुना है, ठीक है, 20 वर्ष पहले पिता पुत्र से 12 गुना था, पिता की आयु बताओ, आयु हमेशा वर्तमान में पूछी जाती है। इसमें निकालो एक्स, पिता की आयु।
खाली होगा। फिलहाल वर्तमान में किताब को फिर से ढूंढना है और 20 वर्ष पहले यह उससे बात करता था। और बंटी की तैयारी अच्छी जबरदस्त तैयारी करते हैं। देख देख किसी बात से देख एक लाइन बात सुन। पिता पुत्र से दुबड़ा है, इधर लिख दिया मैंने पिता, इधर लिख दिया पुत्र, सिर्फ एक लाइन बात सुन। पिता है वो पुत्र से दुबड़ा है। अब ये कह रहा है कि 20 वर्ष पहले पिता पुत्र से 12 गुना था, पुत्र को 12 से गुना कर दो, ये बराबर हो गया 2x - 20 = 12x - 240 और ये 2x इधर आ गया, 10x बच गया, ये 240 इधर आ गया प्लस 220 हो गया, तीनों से जोड़ कैंसिल, x आ गया 22। तो पुत्र 22 का आ गया, तो ये दुगुना है, तो 24। एक लाइन पास किया, क्या करना, बहुत सब करते दिमाग कौन दिमाग से। फिर एक सवाल निकल जाए, जो मैं कह रहा हूँ मात्र एक लाइन बना दो किमी को कर दो, x की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर वो पुट कर लिया। एक क्वेश्चन दे रखा है, राम और श्याम है इनकी आयु का अनुपात 7:3 है और 6 वर्ष बाद इन दोनों की जो आयु का अनुपात है वो 5:3 हो जाए। तो राम की कुछ में आयु या श्याम की कुछ, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:3 हो जाएगा। राम और श्याम की आयु अनुपात 7:3 है, 6 वर्ष बाद यह 5:3 हो जाएगा। एक बात सुनो, बाद का मतलब मैंने बताया कि जोड़ना है, पहले का मतलब घटाना है। राम की आयु हमने 7x मान ली, श्याम की आयु 3x मान ली, अनुपात का मतलब हमेशा अपूर्ण होता है, ये राम की हो गई ये श्याम की हो गई। 6 वर्ष बाद का मतलब दोनों में 6-6 जोड़ दे, बाद का मतलब जुड़ता है, यदि यहां होता 6 वर्ष पहले तो दोनों 6-6 माइनस हो जाते, ये बराबर हमें दे रखे अनुपात 5:3 हो जाएगा। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े एक्स को पहले गुणा करना है, 5 * 15 = 7 * 21, तो पहले ये करो ताकि लेफ्ट में बड़ा एक्स चले जाए, 7x को 3 से करेंगे 7 * 21x, 6 को 3 से करेंगे 6 * 18 बराबर, 5 को 3 से करेंगे 5 * 15x, 6 * 20 = 30, 15x इधर आएंगे तो 21 में से 15 गए तो 6x बचेगा, 18 इधर जाएगा तो 30 में 18 घट के 12 आएगा, x की वैल्यू आ गई 2, तो ये 7 * 14 का राम हो गया और 3 * 2 = 6 का श्याम। बाद में होगा जोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करियो और पहले का होगा घटा के क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले बड़े एक्स को वैसे तो कैंसर है गुणों कर दो, लेकिन बड़ा फायदा ये हो जाए वो एस साइड में प्लस को एक्स रह जाएगा, बड़ो एक्स है माइनस है तो एक्स प्लस हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम बच जाएगा। भाई आयु में तो कोई क्वेश्चन है नहीं जो तुम नहीं कर सकते, अब तुम प्रैक्टिस ना करोगे तो तुम्हारी एक बात सुनो, रीजनिंग हमारा कौन सा टॉपिक था, कथन और निष्कर्ष। आज भी ये कथन निष्कर्ष ही है, लेकिन इसमें क्या है, कथन निष्कर्ष का एक पार्ट होता है संकेत और अंकन। एक तो छोटी सी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें कोई क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन आएंगे एक साथ, और छोटी सी बात है ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक तो ये ध्यान रखो कि ये ग्रेटर देन जो होता है ना ये बड़ी की साइड में से ये ग्रेटर देन होता है, ये मुंह जिधर खुलेगा वो बड़ी की साइड में खुलेगा। अगर मैं ये साफ लगा देता हूं इसका मतलब होता है 8 जो है वो 7 से या तो बड़ा है या फिर बराबर है,
बराबर बोल दे इक्वल है, या तो बड़ा है या तो उससे ग्रेटर देन है या उसके इक्वल है, या तो बड़ा है या बराबर है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले तो निर्देश पेपर में आएगा, ये निर्देश आएगा इसे, ठीक है, जो पांच क्वेश्चन आएंगे उसमें दे रखा है ए एट द रेट बी, इसका जो अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, चाहे तो उतारो इसको, क्योंकि घर ही जाके फिर यही पांच क्वेश्चन कर लो ना तो ही बेनिफिट देता है। ये निर्देश स्पेशल क्वेश्चन में आएगा, ये हमें याद ही रखना है। और उसके बाद इसका जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, इसका ही अर्थ होगा। उसके बाद ए हैस बी, ए हैस बी का अर्थ है ए न तो बी से छोटा है, ए न तो बी से छोटा है और न बराबर है, न बराबर है। उसके बाद ए स्टार बी, इसका अर्थ है न तो ए है वो न तो बी से बड़ा है और न बराबर है। और उसके बाद देखे है ए स्टार बी, ए स्टार बी का अर्थ है ए न तो बड़ा है न ही छोटा है, ए न तो बी से बड़ा है न छोटा है। और बेटा एक बात सुनो, ये तो निर्देश आएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड चार क्वेश्चन आएंगे या पांच क्वेश्चन आएंगे। अब सोल्व कैसे करना है तुम्हें, जो एक ही क्वेश्चन कराओ मैं पांच क्वेश्चन कराओ सारे, उनके बाद यदि पूरा ध्यान दियो तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात ये है कि ये एट द रेट दे रखे हैं, ये सिंबल है, ये पांच प्रकार के सिंबल दे रखे हैं, ठीक है, ये संकेत दे रखे हैं, ये पांच प्रकार के संकेत हैं कि ये दोनों के बीच में ये जब सिंबल आएगा तो ये पहला जो ए है ये बी से बड़ा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तुम्हारा जो काम है ये क्वेश्चन जब सोल्व करो तो एट द रेट ये लिख के, ठीक है, जो पहले वाला है ना ए बी से मैं तो सॉरी बी से बड़ा नहीं है, तो ये पहले वाला क्या है, पहले वाला क्या है, या तो ये पहले वाला छोटा है किससे दूसरे से, या तो छोटा है या इसके बराबर है, तो बड़ा भी है तो क्या क्या हो सकता है छोटा है। अच्छा ये निशानी दर्जों कर दिया मैंने कि दूसरा है ना, दूसरा वो पहले वाले से, दूसरा है वो पहले वाले से बड़ा है, इसलिए दूसरी साइड में मैंने खोल दिया, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना मुझे ऐसे ध्यान। उसके बाद इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि छोटा नहीं है, यानी कि ए है वो बी से छोटा नहीं है, तो जो ए है वो बी से या तो बड़ा है या बराबर है। अब क्लियर, इस हैस का मतलब है कि ए न तो बी से छोटा है और न बराबर है, तो ये कंफर्म हो गया कि ए जो है ये बी से बड़ा है, केवल केवल बड़ा है, ना तो छोटा है और ना बराबर है। इस का मतलब होता है, इसका मतलब है ए न तो बी से बड़ा है और न बराबर है, तो ये कंफर्म हो गया कि ए जो है ये बी से छोटा है, यानी कि बी बड़ा हो गया। और इसका मतलब है कि ए न तो बी से बड़ा है और न छोटा है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, ना ए से बड़ा, इससे बड़ा है ना छोटा है, तो ये क्या हो गया, बस ये बता दो, ये निशान बनाने आगे नहीं आगे आगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर एक, इसमें कैसे पांच क्वेश्चन देंगे, तीन कथन देंगे, तीन रकम दीजिए,
आज देखिए ये दिन तो खत्म देंगे और इस तीन कथनों के साथ दो निष्कर्ष देंगे और ये पूछेंगे भाई पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है। अब ये दो निष्कर्ष देंगे, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, निर्देश देंगे पहले ये हमने बनाया है, ये हमें बनाना पड़ेगा, इसको देख के ये आएगा और इसके नीचे ऐसे चार या पांच क्वेश्चन आएंगे। अब ये तीन कथन है, तीन कथन है, एक खास बात ये रहेगी कि जैसे ई के साथ जे का संबंध है तो आगे ये जे यहां मिलेगा तुम्हें, जे के साथ एच का संबंध बताएंगे, ये एच यहां मिलेगा तुम्हें, एच के साथ एन का संबंध, तो ये तीनों कथन एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद ये दो निष्कर्ष देंगे, पूछेंगे भाई पहला सही है या दूसरा सही है, या दोनों गलत है या दोनों सही है, चार ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी, पहला सही है दूसरा सही है दोनों सही है या दोनों गलत है। अब सुनो, जब तक बिल्कुल क्लियर कंडीशन तुम्हारे सामने ना हो जाए जब तक वो असत्य ही माना जाएगा, बिल्कुल क्लियर स्टिक दिखे भाई ये तो एकदम सही कह रहा वही सत्य रहेगा, कंफ्यूज वाला विषय असत्य रहता है, वही हो सकता है ना हो सकता है तो फिर वो असत्य है, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले मैं ये कथन करता हूं, देखो ई एच लिख लो, ई जे एच और एम, मैंने लिख लिया ई जे लिख लिया, ये जे आगे है जे को छोड़ दिया डबल जे हो गया, एच लिख लिया डबल एच हो गया, तो मैंने एच के आगे क्या लिख दिया एम। अब सबसे पहले ई और जे के बीच में ये सिंबल है, ए कौन सा सिंबल है, ये सिंबल है, तो ये है ना, ये देखो सिर्फ सिंबल की जगह मैंने इसकी जगह ये सिंबल, इसकी जगह ये सिंबल है ना, तो मैंने ये लिख दिया सिंबल, सिंबल लिख दिया, ए बी को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ए बी तो वैसे डिनोट इसमें जी ए और कुछ आएगा तो सिर्फ सिंबल सिंबल लेना। अब ये बताओ जे और एच के बीच कैसा सिंबल है, ये तो ये बता दो सही है गलत है, ठीक है। अगला बोलो एच और एम के बीच में क्या है, ये है, ये बता दो सही है गलत है, ठीक है। सिर्फ उनको इनको देख के इन संकेतों को देख करके मैंने इनका जो ये जो ये है ये जो अंकन है ये मैंने यहां लिख दिया। अब सुनो इसका मतलब क्या हो गया, ई किससे बड़ा है और जे से बड़ा कौन है, एक बात बता दो ई और एच में कौन सा बड़ा है, ई और एच में कौन सा बड़ा है भाई, ये बात दो जे से एच भी बड़ा है और जे से ई भी बड़ा है, तो हमें क्या पता ई बड़ा है कि एच बड़ा है, क्योंकि दोनों इससे बड़े हैं तो निश्चित नहीं है बात भाई, ये पांच साल बड़ा होगा ये सात साल बड़ा होगा, हमें क्या पता कौन सा कहेंगे सात बड़ा, लेकिन दोनों बड़े हैं बस बात। अब एच किससे बड़ा है ये बता दो मेरे को, एम से बड़ा भी हो सकता है और बराबर। अब देख निष्कर्ष देखेंगे इसके हिसाब से, हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ई एस एम, अब एक बात बता दो इसकी जगह मैं क्या निशान लिखूं, इसकी जगह क्या लिखूं कि ई एम से बड़ा है, ये बता दो सही है गलत है, ई एम से बड़ा है, ई एम से बड़ा है हो सकता है, निश्चित नहीं है, कहां निश्चित है यार, जे से बड़ा ई है ठीक है, ई एम से बड़ा कहां से हो गया, एम से बड़ा हो सकता है एच या इसके बराबर हो सकता है, बराबर भी तो हो सकता है, कोई जरूरत नहीं बड़ा ही है, और एच जे से बड़ा है तो ये ई है ये एम से बड़ा है ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये जो निष्कर्ष है ये ऐसा सकते हैं। दूसरा दे रखे है कि जे ये दे रखे, इसका मतलब क्या है वो ही है कि पहले वाला दूसरे का बड़ा है, ये बताओ जे एम से बड़ा है, जे एम से बड़ा है या निश्चय, बिल्कुल ही नहीं है, जे एम से तो बिल्कुल बड़ा नहीं है, तो इसमें दोनों निष्कर्ष ही रह सकते हैं, चाहे वो सी ऑप्शन पे आए चाहे वो डी ऑप्शन पे आए, समझ गए। एक आप और करता हूं कि सर अभी थोड़ा ध्यान मोबाइल आ गया, सर मोबाइल में चल रहा है ना, फिर एकदम के लिए सुन रहा हूं, कथन दे रखा है एम, ये स्टेटमेंट है एम एस के के बी और डी एट द रेट बी, ये तीन तो है कथन ठीक है। उसके बाद मैं निष्कर्ष के साथ ले देता हूं एम ए बी और उसके बाद P स्टार M,
एम ए बी और बी स्टार। बेटा देखो मैं लिखता हूँ एम, फिर लिखता हूँ के, फिर लिखता हूँ डी और फिर लिखता हूँ पी। सबसे पहले तो हैस देखो, हैस यानी कि एम के से जुड़ा है, उसके बाद स्टार ये दोनों बनाता है, एट द रेट ये इससे छोटा है या बड़ा है, पहले इसका अध्ययन कर लो। एम से बड़ा कौन है? के और डी दोनों बराबर है, तो के यदि इससे बड़ा है तो डी भी इससे बड़ा होगा, हो गया ना। और डी से बड़ा कौन हो गया? या बराबर है, तो ये जो P है इससे बड़ा भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है ये K की कंडीशन वही है कि ये P है ये K से बड़ा भी हो सकता है, बराबर है। अब देखो दो है, एक तो है M, एक तो ये होगा, तो एक मार्क होगा एट द रेट की संख्या लिखेंगे, P है M से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, बताओ सही है क्या? बड़ा हो सकता है ना, P बड़ा हो सकता है, बराबर नहीं। हाँ, क्योंकि P है वो M से, ये P तो जो ये है ना D और K इन दोनों के बराबर ही होता है, बराबर भी हो सकता है, दोनों से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जब M से K बड़ा है, M से K बड़ा है ये तो क्लियर कंडीशन है बराबर है, लेकिन बराबर तो नहीं हो सकता नहीं। और एक दे रखे हैं P has M, अब बताओ has का क्या करोगे, इसका क्या करोगे? बराबर M, ये बताओ P और M बराबर है? तो दोनों पता नहीं, दोनों निष्कर्ष ऐसा, जब तक क्लियर कंडीशन ना हो तुम्हें वो सत्य नहीं बताना है, बताओ समझ में आएगा? प्रैक्टिस करोगे जब बेटा, प्रैक्टिस तो थाने हर टॉपिक ही करने पड़ेगी। हिंदी का जो अपना अगला टॉपिक है, कल वाक्य हो गया था, शाम को पदबंद हो गया था, आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले लिखो समास। आज समास को एक क्वेश्चन आओ चाहे दो, ये नंबर तुम्हारे क्लियर रहना चाहिए, दो भी आ सके से और एक तो करना भी से। देखो शब्दों का परस्पर मेल समास होता है और वर्णों का परस्पर मेल संधि होता है, जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो संधि बनती है और जब शब्द आपस में मिलते हैं तो समास होते हैं। समास के मुख्यतः चार ही भेद होते हैं, बाकी आठ भी भेद पढ़ोगे तो पांच भी भेद आएंगे, छह भेद भी बढ़ जाएंगे, लेकिन वो सही अर्थों में वो तत्पुरुष के भेद होते हैं। एक तो होता है अव्यभाव समास, ठीक है, फिर उसके बाद होता है द्वंद्व समास, फिर उसके बाद होता है बहुवरी समास और फिर होता है तत्पुरुष समास। और जो तत्पुरुष समास होता है इसके पांच उपभेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है द्विगु, एक होता है कर्मधारय और एक होता है न्याय तत्पुरुष और एक होता है अलोक तत्पुरुष और एक होता है मध्यपदरूपी तत्पुरुष। मध्यपदरूपी तो जैसे आठवीं दसवीं तक हम पढ़ते हैं तो छह भेद बता देते हैं, एक दो तीन चार पांच और छह भेद कर्मधारय भी, ठीक है, दिगु भी, तो छह भेद कर देते हैं। बाकी जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो तो वहां इसके समास के चार ही भेद होते हैं और तत्पुरुष के पांच उपभेद होते हैं। मेरी बात सुनो, अव्य अव्यभाव समास देखो, अव्य अव्य जैसे व्यय माने खर्च होना और अव्य माने जो खर्च नहीं होता, तो अव्य या अविकारी मैंने करवाए थे तुम्हें, तो एक तो इसमें जो प्रथम पद होता है प्रथम पद प्रधान होता है, एक तो ये बात याद रखना, अव्यभाव में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में सेकंड पद प्रधान होता है और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी उत्तर पद भी और दक्षिण पद भी दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें कोई पद भी प्रधान नहीं।
बाहुबली में कोई पद भी बढ़ता है, इसका आप तीसरी जगह जाता है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, द्वंद में दोनों पद प्रधान होते हैं, बाहुबली में कोई पद प्रधान नहीं होता, और तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है। अशोक कि इसकी पहचान ऐसे याद रखनी है, जिस शब्द के आगे नी आए, उप आए, इति आए, दे आए, आ, हा, उप, प्रति, वी, अनु, यदि इन शब्दों या शब्दांशों से कोई भी शब्द बनाया जाता है, वे सारे अव्यवाह समास होते हैं। ये याद रखें, ये अविक अव्यय होते हैं, उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग अव्यय और अविकारी सारी एक ही बात होती है। तो ये उपसर्ग जिस शब्द के आगे आते हैं वे सभी अव्यवाह समास होते हैं। निर्जन, उपनदी, इत्यादि, बेखटके, आमरण, यथाशक्ति, यथासमय, प्रतिदिन, व्यर्थ, अनविधि, अनुगामी, समझ गए। यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति यथा से प्रारंभ है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, तो ये अविभाव समास हो गया। यथा विधि, विधि के अनुसार, यथोचित। देखो द्वंद समास क्या होता है कि एक तो दोनों पद प्रधान होते हैं अपनी अपनी जगह, रात अपनी जगह महत्व रखता है, दिन अपनी जगह, दोनों के बीच में ये योजक चिन्ह का जहां प्रयोग हो गया, ठीक है, वो सभी द्वंद समास होते हैं। जैसे ऊंचा नीचा, बाहर भीतर, दाएं बाएं, रात दिन, इस तरह माता पिता, बाप पुण्य, जो एक दूसरे के जो विलोम होते हैं, विपरीतार्थक शब्द होते हैं, उनके बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वे सभी द्वंद समास होते हैं। इसका विग्रह और से होता है, रात और दिन, राम शाम, राम और शाम। एक मोटी बात यह है कि जैसे ये जो शब्द होते हैं ना, 44, 54, 53, 92, 76, ये सारे द्वंद समास होते हैं, क्योंकि जब 44 का विग्रह करोगे तो 40 और 4 भी कह सकते हो, 43 और 1 भी कह सकते हो, 42 और 2 भी कह सकते हो। तो जितने भी ये होते हैं ना, 2 से शुरू करके और 70 का 4 तक, 1500 तक, कितने तक, ये सारे द्वंद समास होते हैं, ठीक है। 54, जैसे 54 कौन सा समास है, तो इसका विग्रह करेंगे 50 और 4, क्योंकि हमें विग्रह नहीं करना एग्जाम में, सिर्फ ये बताना है समास कौन सा है, तो क्या बताएंगे, द्वंद समास। एक दोनों शब्द एक जैसे आ जाए ना, जैसे रातों रात, तो रातों रात का मतलब होता है रात ही रात, दोनों एक जैसे आ जाए जब, तो तुम्हें बताना है अविभाव समास। एक जैसे ऊंचा नीचा आ गया, मैं कहूंगी, एक तो गांव में जहां जहां, तो दोनों एक जैसे आ गए जहां जहां, तो ये समास को बताना है तुम्हें अविभाव, और जहां के साथ यदि मैं कहां लिख देता हूं तो बताना है तुम्हें अलग अलग हो तो दोनों समास बताना है, और दोनों एक जैसे हो तो तुम्हें अविभाव समास। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? देखो एक होता है तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में मैंने बताया है कि इसमें जो सेकंड पद होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग होता है, लिख रहे हैं कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग होता है, कौन कौन सी होती है? कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से,
संबंध का के जी और अधिकरण होता है मे के ऊपर। इन छह वाक्यों का प्रयोग होता है। मोटी बात यह है देखो इसमें तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो शब्द इन विभक्तियों से टूटता है ना वे सभी तत्पुरुष समास होता है। जैसे मैं कहूंगी विद्यालय कौन सा समास है तो विद्यालय को जब तोड़ोगे ना तो विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य ऐसे आएगा विद्या के लिए आल्य। अब ऐसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा तत्पुरुष है तो के लिए है ये संप्रदान तत्पुरुष है। समझ गए? जैसे मैं तोड़ू जैसे मैं कहूंगी ग्राम गत तो गत मानी जाना गांव को जाना तो ग्राम को गत गांव को जाना। अब को कौन सा हो गया तो ये कहेंगे कर्म तत्पुरुष। जैसे मैं कहूं कि हस्तलिखित तुम इसको तोड़ के देखना हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखित, हाथ से लिखित किससे लिखा गया है ये हाथ से लिखा गया है तो से साधन के साथ आ रहा है तो साधन के साथ कौन सा होता है कर्म तत्पुरुष। ठीक है तो ये इनसे अवय हुआ तो ये कौन सा तत्पुरुष हो गया सरदर्द सर में दर्द तो ये क्या कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है अधिकरण तत्पुरुष तो तत्पुरुष में इन छह विभक्तियों का प्रयोग होगा और इसके पांच भेद होते हैं। एक तो होता है द्विगु द्विगु समास। द्विगु समास में देखो कि इसमें पहला पद संख्यावाची होता है जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे चोराया गिराया इस तरह के होते हैं जैसे त्रिनेत्र दशानन जो पहला पद जिसमें संख्यावाची होता है वो हमेशा द्विगु समास होता है। कर्मधारी में केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि कर्मधारी में यदि जो पहला पद है वो सेकंड पद की यदि विशेषता बताता है तो हमेशा वो सारे कर्मधारी समास होते हैं। जैसे मैं कहूंगी नीला घोड़ा अब ये घोड़ा कैसा है नीला है नीला घोड़ा ये पहला शब्द दूसरे विशेषता बताएगा ये सारे कर्मधारी समास होते हैं। जब पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य हो पहला शब्द जब दूसरे शब्द की विशेषता बताए वे सारे कर्मधारी समास होते हैं। जैसे ये आता है ज्यादातर तो नीलोत्पल नीलोत्पल ये गुण संधि है नीलोत्पल नीला उत्पल यानी कि नीला उत्पल होता है कमल नीला कमल तो ये कर्मधारी समास हो गए। जैसे हम बोलते हैं गुलाब जामुन तो ये जामुन कैसा है ये गुलाबी है गुलाब जामुन बोलते हैं जबकि ये गुलाबी जामुन होता है तो ये जामुन कैसा है गुलाबी इसलिए कर्मधारी समास। पहला शब्द यदि दूसरे की विशेषता बताएगा ना वो सभी कर्मधारी समास। पहला शब्द जब दूसरे शब्द की विशेषता बताता है वो सारे कर्मधारी समास। एक अभी आया था एचएसएससी में शिलालेख शिलालेख कौन सा समास बताओ जल्दी से ये तो शिलालेख हो गया शिलालेख शिलालेख कौन सा समास ये तत्पुरुष है कर्म ठीक है और ये अधिकरण क्यों क्योंकि शिला पर लिखा हुआ लेख शिला पर जो उत्कीर्ण लेख होते हैं जो शिला पर लिखे हुए लेख शिला पर लिखा पत्थर पत्थर पर लिखा हुआ लेख तो मे पेपर आता है अधिकरण तत्व अब सुनो अलुक तत्पुरुष में अलुक तत्पुरुष क्या होते हैं जो इनमें संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं हुआ ठीक है जो शब्दांशों के लिए एक शब्द होते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं वो सारे अलुक तत्पुरुष होते हैं। जैसे मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला जैसे प्रभु को मानने वाला
नास्तिक, ना मानने वाला नास्तिक, गोद लिया हुआ पुत्र तब तक 15 दिनों का समूह पखवाड़ा, इस तरह के जो शब्द आए वो अनुत्तर पुरुष आएंगे, जिसमें कहूंगी तब तक कौन सा समास है तो तुम समझ जाना तब तक क्या होता है, गोद लिया हुआ पुत्र तब तक होता है, तो ये अनुत्तर पुरुष है। हालांकि इतना बड़ा नियोग लिया हमारे ने सिर्फ अविभाव द्वंद बहुवी ये कर्मदारी ये तो ये है ना आरोप, ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है। मध्य पदलोक की जैसे ये दो याद रख लो, यदि फाइनल में पूछ रहे तो एक तो रेलगाड़ी होती है और एक दही बड़ा होता है, क्योंकि ये सारे तत्पुरुष ही होते हैं। तो इसमें मध्य का जो पद है वो लुप्त तो हो जाता है, रेलगाड़ी रेल पर चलने वाले गाड़ी, दही बड़ा दही में डूबा हुआ बड़ा, तो ये ज्यादा वो वाइड लेवल की बात है, ये चीज ध्यान में रखना। तो इनमें मध्य के जो पद है वो लुप्त हो जाते हैं, अलुप भी ना पूछेंगे तुमसे कभी लग जाओ, ठीक है। तो बड़े लेवल के जो कोई लेक्चरर की का एग्जाम दे रहा है, इस तरह के नेट की तैयारी कर रहा है, उस तरह की बात है। तो एक लास्ट जो बच गया बहुवली समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन बहुवली की एक खास बात होती है कि उसका अर्थ तीसरी जगह जाता है, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा होता है। जैसे मैं कहूं कि पंकज, पंकज पंकज कौन सा समास है, तो पंक माने होता है किचड़ और जय माने होता है उगने वाला, और किचड़ में उगने वाला होता है कमल, तो पंकज का अर्थ कमल होता है, तीसरी जगह से आएगा। जैसे खेचर, खे मानी आकाश, चर मानी विचरने वाला, और आकाश में विचरने वाला होता है पक्षी। जैसे सरसीज, सर से उत्पन्न होता है कमल, सर से उत्पन्न कमल तीसरी जगह से जाएगा। जैसे मनसीज, मन से उत्पन्न, और मन से उत्पन्न हमेशा कामदेव होता है, मन से कोई चीज उत्पन्न होती है तो कामदेव होता है। और बाकी जैसे इस तरह के शब्द है ना, जैसे मैं कहूँ कि पीताम्बर, पीत है अम्बर जिसके श्री कृष्ण, पीताम्बर है श्री कृष्ण तीसरी जगह जाएगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर, उधर होता है पेट, लंबा है उधर जिसका तो गणेश, इस तरह के शब्द है, ठीक है। तो जिसका अर्थ तीसरी जगह जाएगा वो सारे बहुत ही सब। बहुवी समास कमल नयन, ये पांच शब्द ही आते हैं बार बार लिख के, कमल नयन श्री राम होता है। जैसे रोहिणी नंदन, रोहिणी का पुत्र है जो, रोहिणी का पुत्र था बलराम, रोहिणी नंदन। अच्छा एक मेरी बात हो गया, बैठे मैं लास्ट में बताता हूँ, तो सबसे इंपोर्टेंट बात है समाज की कभी जिंदगी में प्रश्न करते हो, एक दो शब्द ध्यान रखने हैं। एक तो ध्यान रखना है दशानन, दशानन दस है आनंद जिसके, तो दशानन है रावण, और त्रिनेत्र है, तीन है नेत्र जिसके, तो ये होता है सी। तो एक विशेष बात ध्यान रखना कि दिगु में पहला पद संख्यावाची होता है, तो दशानन में ये संख्यावाची हो गया, त्रिनेत्र में त्रि माने तीन, ये भी दिगु हो गया, तो ये दोनों दिगु भी है और ये दोनों बहुवली भी है, क्योंकि अर्थ तीसरी जगह जा रहा है जो कि ये बहुवली हो गए, और पहला पद संख्यावाची इसलिए दिगु हो गए। यदि ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, जल्दबाजी मत दिखाना, दोनों मिलते हैं तो ये एकदम करेक्ट बहुवली समास होते हैं, और यदि बहुवली ऑप्शन में नहीं आता है तो दिगु करते हैं, समझ में आ गया। दोनों ऑप्शन है तो 1000% केवल बहुवली समास है, ठीक है। इस तरह के त्रिनेत्र, दशानन, तो मेरे ख्याल से समास में यदि तुमने मात्र 3 मिनट पढ़ लिया ना, तो समास गलत कभी नहीं होगा। तो समास गलत, आज तत्सम तत्व की लास्ट क्लास है, तत्सम तत्व बिल्कुल कंप्लीट है। मातुल माया, मातुल माया, मिष्टान
मिष्ठान, मिष्ठान मिष्ठान, मित्र मित्र से बना दिया हमने मीत, मित्र से बना दिया मीत, मिष्ट से बना दिया मीठा, मिष्ट से बना दिया मीठा, मुक्ता से बना दिया मुक्ति, मुक्ता से बना दिया मुक्ति, मृत्यु से मौत, मयूर से बना दिया मोर, रज्जु से बना दिया रस्सी, शब्द से हमने बना दिया सबर, और उसके बाद सूची से बना दिया सुई, स्वर्ण का से हमने बना दिया सुनार, स्वर्ण का से हमने बना दिया सुनार, हरित से हरा, और होलिका से बना दिया होली, होलिका से हमने बना दिया होली, तब तुम तो वो बिल्कुल कंप्लीट। सबसे पहले लिखो किस प्रकार का जल, सबसे पहले लिखो जल, किस प्रकार का जल साबुन के साथ फेन नहीं उत्पन्न करता, साबुन के साथ उसके साथ झाग नहीं आते, कौन से जल के साथ, तो वो होता है कठोर जल। जो जल होता है उसमें एक तो होता है हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन होता है और एक होता है ऑक्सीजन, जल में एक तो होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका जो जल का जो भार है उसमें तो 8:1 के अनुपात में होता है, और जो उसका आयतन होता है वॉल्यूम होता है वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के साथ 2:1 का अनुपात होता है। एक लिखो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण होता है, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड होता है Na2O3। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। इस जल का जो अणु भार होता है, जल का अणु भार हमेशा 18 होता है, और जल का भारी जल का अणु भार 20 होता है। कठोर जल होता है, जो भारी जल होता है उसका जो अणु भार है वो 20 होता है। एक हमेशा बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जल का के शुद्धिकरण के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है, जल को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन। जल के शुद्धिकरण के लिए या जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया।
जबकि शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अब देखो सीमेंट, सीमेंट के जमने की क्रिया को, सीमेंट के जमने की क्रिया को मंद करने के लिए, मंद करने के लिए जिप्सम नामक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम नामक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जमने की क्रिया को मंद करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। हर एग्जाम में जिप्सम का रासायनिक सूत्र जरूर आता है, ये अभी याद करो CaSO4 2H2O, ये अक्यों याद करो, अभी पूछो CaSO4 2H2O। ऐसे देखो सीमेंट का जब प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, ऐसे देखो सीमेंट का जब उत्पादन होता है और इसके उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो चुन्ना पत्थर और चिकनी मिट्टी का, कच्चे माल के रूप में चुन्ना पत्थर और चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। चुन्ना पत्थर और चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चुन्ना पत्थर होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। चुन्ना जो पत्थर होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चुन्ना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक हमेशा है एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आता है कि सीमेंट जमती है किसके कारण जमती है, किसकी मात्रा अधिक होने के कारण सीमेंट जम जाती है, तो वो ध्यान रखना एल्यूमिनियम की। अगर सीमेंट जम रही है तो किसकी मात्रा अधिक रहने पर वह जम रही है, एल्यूमिनियम। सिर्फ मात्र 7 मिनट होगी जिक्की में थी पॉलिटिकल की, पॉलिटिकल में आज देखो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सबसे पहले तो देखो ये है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, यह भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। एक कदे भी पूछेंगे भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति बताना है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति बताना है। तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति बताना है। ठीक है, तीनों सेनाओं का कमांडर भी राष्ट्रपति होता है और जितनी भी संघीय शक्तियां होती है वो हमेशा राष्ट्रपति के अधीन होती है। सबसे पहले देखो इसकी क्वालिफिकेशन, योग्यता। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है। इसकी योग्यता देखो, सबको बताया कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, एक तो ही कंडीशन होती है। एक दूसरी बात जो पता है वो मत लिखना, बस जो नहीं पता वो नहीं करेगा। एक दूसरी बात है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, इसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि राष्ट्रपति पद के लिए, ये स्टेटमेंट आएगा राष्ट्रपति पद के लिए जो नाम का प्रस्ताव है तथा जो उसका अनुमोदन है,
वो कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए, 50 निर्वाचकों द्वारा। उसका जो अनुमोदन है वो कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। और इसको राष्ट्रपति को क्या होता है कि चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपए जमानत के रूप में जमा करने होते हैं। इसको 15,000 रुपए जमानत के रूप में जमा करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हमेशा पूछा जाता है, कभी राष्ट्रपति कभी उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है वो एक तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली होता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होता, डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुना जाता ये, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता नहीं चुनती इसको, और प्रत्यक्ष का मतलब जनता वोट के लिए चुनती है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, संसद के दोनों जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसको शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह अपना त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को देता है, यह अपना जो त्याग पत्र है ये उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। एक लिखो मद्रासा हरियाणा कंडक्टर मार्ग क्वेश्चन कि जैसे राष्ट्रपति यदि अपना पद पे कौन है तो उनका पद भी उपराष्ट्रपति आओ, और यदि उपराष्ट्रपति भी कौन है तो जो सुप्रीम कोर्ट को जो मुख्य न्यायाधीश है ना वो राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है, ठीक है, और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने अनिवार्य हो जाता है। अब लिखो इस पर महाभियोग कैसे लगता है, इसको पद से कैसे हटाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग इस पर लगाया जा सकता है यदि उसने संविधान का उल्लंघन किया है। आरोप लगाए जाने के पश्चात दूसरा सदन इन आरोपों की जांच छानबीन करता है। और यदि 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाए, यदि 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जैसे राष्ट्रपति जब वो पद रिक्त जाएगा तो उपराष्ट्रपति ने कार्यभार सौंप दिया इसे, और उपराष्ट्रपति के बाद फिर कैसे सौंप दिया इसे मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश को एक मुख्य न्यायाधीश तो एम हिदायतुल्लाह, ये मुख्य न्यायाधीश था, एम हिदायतुल्लाह था,
जिसने 1969 से जुलाई से अगस्त तक, जुलाई 1969 से और अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था, जबकि ये मुख्य न्यायाधीश था। एक बात और लिखो, राष्ट्रपति पद के लिए नया चुनाव पद रिक्त होने के 6 मास के भीतर हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, 6 मास के भीतर भीतर और दोबारा चुनाव होना अनिवार्य। फिलहाल तो निकलो जुलाई 25 जुलाई 2017 से सत्रहवां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऐसे पूछ लेंगे वर्तमान में राष्ट्रपति का क्रम क्या है, तो सत्रहवां है 2017 से, ये 25 जुलाई से।